तो दोस्तों मैं हूँ आपका ऑटो हॉलिक, नई वीडियो लेकर आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो है होंडा एक्सीडेंट BS6 की, हम बात करते हैं। देखो यार, मैं आपको पहले तो ये चीज़ साफ साफ क्लियर कर देता हूँ कि जो ये चीज़ मैं बताऊँगा ये चीज़ सिर्फ मेरा एक अंदाज़ा है, ये अभी कंपनी ने कुछ भी नहीं बताया कंफर्मली, इसलिए भाई मैं आप लोग को ये चीज़ साफ साफ पहले ही बता रहा हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, जो मेरा अनुमान है। तो सबसे पहले इसके अंदर इंजन तो इसमें सेम वही मिलने वाला है, 162 cc का सिंगल सिलेंडर, शायद इसमें ऑयल कूल आ सकता है, ऑयल कूल FI BS6 इसके अंदर इंजन आएगा। अगर ऑयल कूल दे देते तो यार होंडा की बात ये मतलब एक मैं तो भाई एक ऊपर लेवल के पार पे हो जाएगी अगर होंडा ने इसमें ये चीज़ दे दी तो। अगला जो इसके अंदर अपडेट है वो ये अपडेट है कि देखो FI तो तुम्हें खैर पता चल ही गया है कि इसमें FI आएगा, तो FI आने की वजह से ये जो आपको पावर है मतलब माइलेज बहुत अच्छा निकाल के देगा, मैक्सिमम पावर जो ये निकाल के देगा जहाँ तक मुझे लग रहा है वो ये लग रहा है कि देखो पहले 13.9 BHP की पावर थी, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है शायद 13.8 या 5 के समथिंग कर सकता है, यहाँ पे अभी मैं कंफर्मली नहीं कह रहा। टॉर्क जो ये निकाल के देता था पहले वो निकालता था 13.9 की ही निकाल के देता था, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है ये टॉर्क थोड़ा सा कम हो सकता है, तो ये शायद 13.5 के आसपास हो सकता है। लेकिन जब ये BS6 की बाइक आई है तो यार होंडा ने एक चीज़ बहुत अच्छी बोली है, होंडा ने भी बोली, हीरो ने भी बोली है कि इसका जो माइलेज है माइलेज भी अच्छा मिलेगा आपको और परफॉर्मेंस भी अच्छी मिलेगी, पहले के मुकाबले में ज़्यादा ही मिलेगी। ये चीज़ एक मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ लगी। बहुत सारे लोग इसमें ये कहते हैं कि यार इसमें बेली पेन आएगा या नहीं आएगा, तो देखो यार शायद कंपनी यहाँ पे बेली पेन दे सकती है, और यार लुक तो इस बाइक का खैर पहले स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छा लुक है, लुक तो खैर मुझे पसंद आया है, बहुत ज़्यादा पसंद है इसका। स्प्लिट सिक भी इसमें आएगी। अगला जो इसमें अपडेट है देखो, जो पीछे का वाइट टायर है वो तो यार क्या बताऊँ, टायर तो उसका A1 टायर है, लेकिन शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक ऐसा फंक्शन आने वाला है शायद, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि वो और भी ज़्यादा ग्रिप पकड़ेगा, मतलब उसमें शायद किसी मिशलिन कंपनी का टायर डाल सकते हैं। यहाँ पे भी भाई मैं पहले कभी कंफर्म नहीं चीज़ बता रहा, मैं ये मुझे एक चीज़ एक अनुमान लग रही है। अगला जो अपडेट है देखो, ग्राफिक्स इसमें टोटली चेंज होंगे, ग्राफिक्स इसमें कंफर्मली चेंज होंगे, और ग्राफिक के साथ साथ ये जो बाइक है ये बाइक आपको जो इसका मीटर कंसोल के अंदर एक तो आपको MPD का ऑप्शन मिलेगा, मतलब कितने दूर तक ये बाइक चलेगी और सफ़र कर पाएगी वहाँ तक आपको पता चल जाएगा कि इसमें मीटर में आपको आ जाएगा। अगला जो अपडेट है वो है कि सर्विस रिमाइंडर का भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा, और बाइक के इंजन में भी कुछ भी प्रॉब्लम आ गई तो वो भी आपको इंडिकेटर मिल जाएगा। तो ये कुछ छोटी इन्फॉर्मेशन थी, जब कंफर्मली आएगी तो भाई इस चैनल पर खास कोर्स आपको मिलेगी। और वैसे तो होंडा ने तो यार धासू चीज़ें कर रहा है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें कर रहा है, बस थोड़ा सा प्राइस अगर ये कम कर देना तो यार मज़ा आ जाए। चलो खैर अब देखते क्या है, BS6 में है तो यार देना तो पड़ेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो करना वो कर लेंगे वाले मत करा करो, क्योंकि हमारे सत्ता मंगम खराब और मेरे कौन चैनल से लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसको जाकर जरूर सब्सक्राइब करना। ओके तो।